विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक के मामले में पुलिस महानिदेशक मनोज यादव द्वारा सौंपी गई दूसरी रिपोर्ट से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता संतुष्ट नहीं है। वी अध्यक्ष ने इस रिपोर्ट को पहले से भी कमजोर बताया है। विधानसभा परिसर के मुख्यमंत्री के सामने हुई अवधरता का मामला अब विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी के सम्मुख रखा जाएगा। यह कमेटी पुलिस विभाग के खिलाफ कार्यवाही की समुचित करेगी। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव द्वारा सौंपी गई दूसरी रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से भी कमजोर है। दूसरी रिपोर्ट में उन अधिकारियों को बचा लिया गया है जिनके खिलाफ पहली रिपोर्ट में कार्यवाही करने की बात कही गई थी। बता दें, पहली रिपोर्ट में आईपीएस अधिकारी पंकज नैन समेत घटना के लिए जिम्मेदार 9 अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात की गई थी। इनमें से 8 को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आज की इस पत्रकार वार्ता पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की ये पत्रकार वार्ता जो एक इंसिडेंट 10 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा के कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो मीडिया ब्रीफिंग थी उसको रोकने का, उस पर हमला करने का प्रयास किया गया था। तो हमने उस इंसिडेंट का संज्ञान लेते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस हरियाणा उनको एक पत्र लिख करके इस सारे इंसिडेंट की जांच करने के लिए कहा था और उनकी तरफ से जो पहली जांच की रिपोर्ट आई थी वो जांच की रिपोर्ट आई थी 14/6/21 को। और उस जांच रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि हमने संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी है, डिटेल्स मांगी हैं और उसमें कुछ लोगों की कमियां पाई गई। उन्होंने ये भी कहा था कि 8 जो अधिकारी कर्मचारी हैं हु रिपोर्टेडली कमिटेड लैप्स इन देयर ड्यूटीज ऑन दी सेड डेट, उनके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आफ्टर रिसीट एंड एनालिसिस ऑफ देयर रिटन एप्लाइज। तो इसी प्रकार से ऑन द सेट डेट पंकज नैन आईपीएस करंटली पोस्टेड एज डायरेक्टर स्पोर्ट्स वाज देन एसएसपी सिक्योरिटी 1 इन चार्ज ऑफ द अरेंजमेंट्स इन द पार्किंग एरिया वेयर द सेट इंसिडेंट टुक प्लेस एज पर द डिटेल्ड सीआईडीज प्रोग्राम इशूड वेल इन टाइम। In this regard, a letter has been issued to him for giving his detailed statement by evening of 15/6/21. However, since he is currently on leave from 11/6/21 to 14/6/21, he has not been able to submit his reply. ये उनका पहला जवाब आया था। उन्होंने कहा था कि अभी आज जो दूसरा उनका रिपोर्ट आई है तीसरी, तो मैंने उनको एक लेटर लिखा था कि जो आपने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के बारे में ये 6.7 पॉइंट हैं वो क्लैरिफाई नहीं किए गए हैं, तो कृपया इन 7 पॉइंट को क्लैरिफाई करिए। उसमें जो पॉइंट्स है, डिस्पाइट हैविंग इन्फॉर्मेशन 2 आवर्स प्रायर टू द प्रोटेस्ट व्हाट इमीडिएट स्टेप्स वर टेकन इन द सिक्योरिटी बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, why the protesters were not detained by the security staff, after having the information of protest why the names of officials who were deployed in security have not been mentioned in the
by the committee in its report how the protesters broke the security cordon of honorable chief minister, why the adequate security arrangements were not made despite their secret information, why the place for official press briefing of honorable chief minister was not changed despite the secret information of protest. The committee has not mentioned in its report about the security lapses which led to untoward incident, and why the committee in its report has not fixed any responsibility on such erring officials. ये मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि ये सात इसके ऊपर जवाब, लेकिन हाँ जी दूसरी रिपोर्ट है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे बड़ा दुख है कि जो अभी रिपोर्ट दी गई है उसमें भी स्वाय लिपा पोती के और कुछ नहीं किया गया, और उसमें तो बड़ा आश्चर्य का जो एक चीज देखने को मिली है, श्री पंकज नैन आईपीएस परफॉर्म हिज ड्यूटी सेटिस्फैक्ट्री ऑन द डे ऑफ द सैड इंसिडेंट, ये उनकी रिपोर्ट, जबकि हमने उनको जो सीसीटीवी फुटेज दी थी उस फुटेज के अंदर बड़ा क्लियर दिख रहा है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो ऑफिसर पंकज नैन कहाँ पर थे। सेकंड उन्होंने लिखा था पैरेलल लाइन ऑफ डिफेंस आउटर विंग फॉर सिक्योरिटी ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा वाज नॉट ब्रीच्ड, द सिक्योरिटी गाइडलाइंस कंसर्निंग द आउटडोर अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा वर फॉलोड इन द इंसिडेंट केस, फर्दर द 8 पुलिस पर्सनल हु वर रिपोर्टेडली नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज ऑन द सेट डे, देयर लिस्ट इज इन नेक्स्ट हियर विद, हैड बीन इशूड शो कॉज नोटिस एंड वर गिवन 15 डेज टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस टू सबमिट देयर रिटन अप्लाई, दे आर ऑल्सो शोन द रेलिवेंट सीसीटीवी फुटेज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, देयर रिटन रिप्लाइज वर रिसीव्ड एंड एग्जामिन्ड इन डिटेल, देयर आफ्टर रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैव बीन ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू SI गंगा जल नंबर 7 8 9 SRS, SI ASI सुबे सिंह नंबर 4 7 6 नू एंड HC प्रवीण कुमार 361 रिवाड़ी, द रिमेनिंग 5 पुलिस पर्सनल वर ओनली फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ देयर इंचार्ज विच देवर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो बींग मेंबर्स ऑफ ए डिसिप्लिन फोर्स, दस द शो कॉज नोटिस इशू टू देम हैव बीन फाइल्ड। हाँ मैं बता देता हूँ, शुरू से बताता हूँ ये जो हाँ जी यही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जो पंकज नैन थे उनकी जो यू कैन से एक्सप्लेनेशन या जो उनकी शो काज नोटिस दिया था गया था उनका जवाब आ गया है, और उसको डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के बाद उन्होंने पाया कि पंकज नैन ने जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो बहुत अच्छे ढंग से की हैं, संतोषजनक दी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो पैरेलल लाइन ऑफ डिफेंस आउटर विंग, जो आउटर विंग का डिफेंस की लाइन थी फॉर सिक्योरिटी ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाज नॉट ब्रीच नहीं हुई है, वो सुरक्षा का जो चक्कर है वो टूटा नहीं है, उनका ये कहना है। द सिक्योरिटी गाइडलाइंस कंसर्निंग द आउटडोर अरेंजमेंट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हर एवर फॉलोड इन द स्टैंड, वो जो गाइडलाइंस थी उनको उन्होंने सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो किया है। और आगे उन्होंने कहा है कि जो 8 लोग जो
जिनके बारे में नोटिस दिए गए थे उनको शो कॉज नोटिस दिए गए थे और 15 दिन का टाइम दिया गया था, और उनकी 8 लोगों की एक्सप्लेनेशन आने के बाद, उनकी रिटर्न रिप्लाई आने के बाद और उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद ये पाया गया कि सिर्फ 3 लोग जो हैं उसमें जिम्मेवार हैं, जो उनके नाम हैं सब इंस्पेक्टर गंगाजल नंबर 789 SRS, दूसरा है ASI सुबे सिंह नंबर 476 नू और हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार 361 रिवाड़ी। SI गंगाजल हैं, ASI सुबे सिंह हैं और तीसरे हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार। बाकी के 5 जो हैं उनके जवाब को उन्होंने सही पाया और उनको उन्होंने बरी कर दिया कि उनका कोई कसूर नहीं। हाँ जी, हाँ पंकज नायन तो है ही है, पंकज नायन का तो सबसे पहले ही कहा उन्होंने कि भी इसका कोई कसूर नहीं। मोरओवर एज पर पॉइंट नंबर 2.1 ऑफ द डिटेल सिक्योरिटी प्रोग्राम इशूड बाई CID फॉर द साइड विधानसभा सेशन द चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पर्सन वर रिक्वायर्ड टू बी डिप्लॉयड इन साइड द विधानसभा कॉम्प्लेक्स। अब इन्होंने एक साइड और जोड़ दिया है कि इसमें चंडीगढ़ जो पुलिस है उनकी जो विधानसभा के अंदर डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी। दस द DGP चंडीगढ़ हैज ऑल्सो बीन आस्क टू टेक अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एरिंग पुलिस ऑफिसर ऑफ चंडीगढ़। उन्होंने DGP चंडीगढ़ को लिखा है कि जो अधिकारी कर्मचारी पुलिस के उनके जिम्मेवार हैं जिनकी वहाँ ड्यूटी लगनी चाहिए थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फॉर द रिपोर्टेड अलेज्ड लैप्स ऑफ फेलिंग टू टाइमली स्टॉप एंड व्हीकल यूज्ड बाय द SCD MLA फ्रॉम एंटरिंग द हरियाणा साइड पार्किंग एंड और अदर प्लेसेस इफ एनी विच लेड टू द अकरेंस ऑफ अबव इंसिडेंट। अब उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के लोगों के ऊपर भी उन्होंने वो जताई है जिम्मेदारी। हाँ, तो ये जो रिपोर्ट है इतनी रिपोर्ट उनकी तरफ से आई। ये रिपोर्ट आप मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, खारिज करेंगे इस रिपोर्ट को? नहीं, मैं तो इस रिपोर्ट को नहीं मानता। ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सिर्फ लीपा पोती करने का प्रयास है और जो एयरिंग ऑफिशियल्स हैं उनको बचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है मैं समझता हूँ। कि तीजी लेटर वही लिखे सी ना, ये 7 बिंदु लिखे थे। हाँ, तो वो तो मैं 7 बिंदु बताए ना आपको। ये तो देखो ऐसा है कि ये उनकी सोच है जिन्होंने रिप्लाई दिया है कि चंडीगढ़ पुलिस भी इसके लिए जिम्मेवार है। नहीं, मैं समझता हूँ जो भी जिम्मेवारी है, अगर इंक्वायरी हुई है तो इंक्वायरी के हर एक की जिम्मेवारी जड़ी भी जो भी जिम्मेवार है बनती है नहीं बनती है उन्होंने उस रिपोर्ट करना चाहिए है। और ये कह रहे हैं कि हूँ के उन्होंने जिम्मेवारी हैगी है। पहली रिपोर्ट के कि चंडीगढ़ पुलिस का कोई वो ना नहीं सी, ना सी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि विधानसभा के प्रेसिडेंट के अंदर एक मुख्यमंत्री या जो भी कोई विधायक है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, विधानसभा की। और अगर उसकी और उनका जो वो एक प्रिविलेज है जो विधानसभा के सदस्यों का प्रिविलेज है उस प्रिविलेज के ऊपर प्रहार हुआ है। बीइंग मेंबर ऑफ विधानसभा CM इज आल्सो ए मेंबर ऑफ द हरियाणा विधानसभा। तो ये जो सारा मामला है मैंने ये निर्णय किया कि ये सारा मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेज रहे हैं इसमें फॉर इन्वेस्टिगेशन और उनकी सारे की
लोगों की वहां पर जो भी हम इंक्लूडिंग सारा जो रिकॉर्ड है, सीसीटीवी फुटेज है या जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है वो सारा हम जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है उसको देंगे। इसके अलावा जो दूसरा था, जो केस रजिस्टर्ड हुआ था यहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 3 के थाने में, उसमें हमारे बहुत कई जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो मार्शल हैं, उनकी यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है। अभी कल या परसों भी कुछ हमारे जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं उनकी वहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, उनकी जो स्टेटमेंट है, और वो भी अपनी पूरी जो स्टेटमेंट है वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो सारा हुआ है वो दिया है। उसके ऊपर भी जो चंडीगढ़ पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। देखिए, एक विषय तो स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, क्योंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें साफ नज़र आता है कि जो सिक्योरिटी के इंचार्ज एसएसपी हैं, जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ उससे एक मिनट आधा मिनट पहले वो कमरे के अंदर चले जाते हैं, बाहर नारेबाजी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, जबकि उनको वहाँ पर हाजिर रहना चाहिए था। और जब वो सारा ख़त्म हो जाता है, ये सीसीटीवी फुटेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो सारा सीन ख़त्म हो जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं, लगभग 8.5 मिनट ही रिमेन इनसाइड द ऑफिस, जबकि एक सिक्योरिटी के इंचार्ज होने के नाते ही शुड हैव बीन ऑन द ड्यूटी, बाहर उनको जो वहाँ पर इंसिडेंट हो रहा था उनको रोकना चाहिए था। नहीं, देखिए, एक ऑफिसर की ड्यूटी कहाँ है, ही नोज वेरी वेल। अगर कहीं ड्यूटी के अंदर कोताही हुई है तो वाई, और सच मतलब इतने बड़े ऑफिसर का नहीं, हमने सीसीटीवी फुटेज की सारी रिकॉर्डिंग भेजी है उनको। लेकिन उसके बाद भी आप इससे तृप्त नहीं है जो रिपोर्ट आई है? हाँ, उसमें तो इसका अब आप जो रिपोर्ट दोबारा मिलेंगे खारिज करके उसमें वो पॉइंट आप नोट? नहीं नहीं, अभी मैं और कुछ नहीं भेजूंगा, मैं तो सिर्फ ये सारा मामला प्रिविलेज कमेटी को जो चला जाएगा एज इट इज। आप विधानसभा अध्यक्ष एक बड़ा होता है संवैधानिक तौर पर, आपके बार बार लिखने के बावजूद अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये हेल्प कर रहा है तो इसीलिए तो मैं प्रिविलेज कमेटी को भेजा हूँ। ये जो मामला प्रिविलेज कमेटी के अंदर जाना कोई छोटी बात नहीं है। प्रिविलेज कमेटी विल स्क्रूटनाइज ईच एंड एवरी थिंग के हु इज एट फॉल्ट, ये हुआ क्यों है, और प्रिविलेज कमेटी के सामने जिस ऑफिसर की जो भी कोई वो होगा अपना वर्षन जो है वो दे सकेगा। किसी के साथ जाति भी ना हो जाए, किसी के साथ उसको ये ना लगे कि भी मेरे साथ जाती हुई है, तो उनको चला जाएगा। प्रिविलेज कमेटी की जांच कब तक पूरी हो सकती है? ये देखिए, ये तो प्रिविलेज कमेटी के पास ये मामला जाएगा, उसके बाद प्रिविलेज कमेटी जांच शुरू करेगी, तो उसके टाइम कितना लगता है, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, इट्स अप टू द प्रिविलेज कमेटी, वो उनका अधिकार है। कुछ टाइम फ्रेम वगैरह भी इसमें क्या हो सकता है? नहीं, मैं इसके लिए प्रिविलेज कमेटी को कोई टाइम फ्रेम नहीं करते, लेकिन वो जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दें इसके ऊपर। ऐसा है नागपाल साहब, जदों असी कोई चीज़ नू जस्टिस करना होवे ना, उहदे वास्ते हर एक व्यक्ति नू अपॉर्चुनिटी देना बड़ा जरूरी है। ये जिहड़ी रिपोर्ट है प्रिविलेज कमेटी की, ये रिपोर्ट वो मैनू देंगे, अगर जरूरत पई तो इसनों हाउस के रखा, हाउस के लेके जाऊँ। हाँ जी, हाँ,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। ये लिखा ना मैंने कि इन तीन रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैव बीन ऑर्डर्ड, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनकी खोली है। कब गए? कौन से देखिए, हाउस को गुमराह करने वाले कोई मुद्दा जो है प्रिविलेज कमेटी के पास नहीं गया अभी तक। कौन सा था पिछली हाँ वो लास्ट टाइम में, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी के मामला जो है उसके साथ ही खत्म हो जाता है, प्रिविलेज कमेटी की टर्म के साथ। देखो ऐसा है कि ये तो अब अविश्वास आपको कमेटी के ऊपर क्यों है मुझे नहीं कारण, हमें अपने जो विधायक हैं या जो प्रिविलेज कमेटी जो आपने पारस अस्पताल की ओवरचार्जिंग का मैटर उठाया था सरकार के सामने, उस पर क्या कोई एक्शन हुआ है अभी तक? मैं वो भी आपको बता दूं, एक्शन तो ये है कि अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 35 लाख रुपया रिफंड हो चुका है, 35 लाख रुपए। और कल ही जो हमने 30 जुलाई दी थी डेट, 31 जुलाई, कि आप सेल्फ ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट दो, सेल्फ ऑडिट की रिपोर्ट 2 हॉस्पिटल्स की आई है, 10 केसेस के अंदर उन्होंने कहा कि हमने ओवरचार्ज किया है, और वो 10 केसेस के अंदर उन्होंने कहा कि ये भी हम पैसा रिफंड कर देंगे। जो मॉनिटरिंग कमेटी आई थी, मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है उसके सामने वो कल ही बैठक थी, कल बैठक के अंदर उन्होंने 10 केसेस जो है उन्होंने कहा कि हमने सेल्फ ऑडिट के अंदर ये पाया कि 10 केसेस के अंदर हमने एक्स्ट्रा चार्ज किए थे, और वो पैसे हैं वो वापस दे दिए, कुछ लोगों ने दे दिए, कुछ क्यों दे देंगे। हाँ जी, डिपार्टमेंट के खिलाफ होगा, पुलिस डिपार्टमेंट के डीजीपी की रिपोर्ट है तो डीजीपी हाजिर होगा। देखो जी, ये तो आप जो भी मैंने आपको रिपोर्ट बता दी है वो आज आप सिर्फ जो गंगवा जी वाली घटना में और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनके अंदर पत्थर पड़े थे, यहाँ बच गए है जी, पर लेकिन उसमें कोई कसर नहीं थी बकाया। ये विधानसभा परिसर के अंदर था, ये अंदर था। जिस दिन कंप्लेंट आएगी तो निश्चित तौर पर मेरी तरफ से संज्ञान लिया जाएगा। विधानसभा परिषद की घटना पर तो आप ही जजमेंट दो, किसी भी तरह का सजा और पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं, तो मैंने उसके लिए प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है, वो डायरेक्ट उस प्रिविलेज कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बेसिस के ऊपर हाउस सजा दे सकता है। एक एग्जाम्पल है कि SSP को डिसमिस किया था हाउस ने, हाउस के अंदर SSP को बुलाया गया था और वहाँ पे उसको हाउस ने सजा सुनाई थी। हाउस इस सब सेशन के अंदर एक्सपेक्टेड है ये रिपोर्ट रखी जा सके? मैं तो ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, जो हमारी कमेटी है प्रिविलेज कमेटी मानसून सत्र तक आ सकती है, कोशिश करेंगे। ये तो प्रिविलेज कमेटी वाले क्योंकि सबको नोटिस दे करके बुलाना, सबको एग्जामिन करना, ये कोर्ट की कोई डेट फिक्स थोड़ी होती है, तो कोर्ट वाला काम है। मानसून सत्र जब सरकार चाहेगी तो कर देंगे, हम तो तैयार हैं। जब भी अभयपुर भी गए थे वहाँ पे जो डायरिया का फैला हुआ है केस हो रहे थे काफी सारे जो है, हाँ बल्कि उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ, एक डेथ और हो गई है, दो डेथ हो गई है अभी।
दूसरी डेथ के बारे में कंफर्मेशन तो नहीं है, जो किसकी बता रहे हैं 40-45 साल की जो है, तो वो उसका देखे जो वहाँ रीजन है वो तो उनका अपना बनाया हुआ रीजन है, जिन्होंने लाइन को पंचर करके वहाँ से कनेक्शन लिया हुआ जिसके कारण वो कंटेमिनेशन हुई है। नहीं नहीं उसके अंदर कार्रवाई जो खुद लोग अनऑफिशियली इलीगल वे से लाइन को पंचर करके अपने घरों के साथ जोड़ रहे हैं तो वो अपनी मौत को खुद वो दे रहे हैं। और जो वैसे मैंने आज भी अभी उसके जाने के बाद अभी मीटिंग की थी, उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर थे, नगर निगम के कमिश्नर थे, HSVP के कमिश्नर थे और CMO, ये सारे लोग थे वहाँ पर। उनसे मीटिंग करके मैंने ये कहा कि ये दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो उसके लिए, और इसके अंदर भी किसकी लापरवाही रही है, डॉक्टर को भी कहा कि डॉक्टर की इसकी इंक्वायरी करके 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दें। अब 3-3 कहाँ, अब तो बेड खाली पड़े हैं सारे। वैसे कोई घर के आदमी या 3 इकट्ठे सो जाए तो उसको क्या करेंगे। बना करके एक नोट, हाँ हाँ सारा इंसिडेंट का वाला था। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।